एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टारगेट विथालोक पे। मैथ्स की इस क्लास में मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से मैथ्स की एक सीरीज लेकर के यहां पे इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और क्लास के माध्यम से आपको जो है मैथ्स के कुछ स्पेशल टाइप टॉपिक्स को कंटिन्यू करा रहे हैं या कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें हमने एडवांस मैथमेटिक्स से शुरुआत करी है। एडवांस मैथमेटिक्स में आपको ज्योमेट्री के पोर्शन को और मेंसुरेशन के पोर्शन को पढ़ाया गया है। कुछ प्रैक्टिस सेशन भी और हमें करने हैं और प्रैक्टिस सेशन पे आपको अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ कॉन्सेप्ट आपके बचे हैं जो कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट कराना बहुत जरूरी है। मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कॉन्सेप्ट वास्तव में हर एक प्रकार की परीक्षा में, जब आप कभी कोई एग्जाम देते हैं या किसी भी पर्टिकुलर का पेपर उठा के देखते हैं, कोई भी एग्जाम का पेपर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे कुछ प्रश्न नजर आएंगे जो लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में जनरली पूछे जाते हैं। जब आप देखते हैं तो चाहे आपने जिस प्रकार की, अगर आप किसी अपने सीनियर का पेपर उठा के देखेंगे या अपने कलीग्स का पेपर उठा के देखेंगे, किसी का भी उठा के देखते हैं, तो आपको नजर आएगा कि ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो कि पॉलीगन्स पे आधारित आते हैं। पॉलीगन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का, और इस पॉलीगन को हम लोग हिंदी में बहुभुज कहते हैं। मतलब आप इस पॉलीगन को आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आज की सेशन के माध्यम से कि बहुभुज को हम लोग फिनिश करेंगे। तो बहुभुज के बारे में मैं आपको आज बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दूंगा, मतलब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि बहुभुज से संबंधित होती है। मैंने इस तरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे स्तरीय एग्जाम होते हैं, आप उनके प्रत्येक पेपर को हमने जैसे वाच किया, आप भी अगर कभी देखना चाहिए देखिएगा, तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि हर प्रकार के एग्जाम में बहुभुज के प्रश्न आ रहे हैं। बहुभुज को अगर हम स्पेशल कैटेगरी में लेकर देखें तो बहुभुज बेसिकली जो हमने यहाँ पे चित्रों को आपको पढ़ाया है उन्हीं से संबंधित है। अगर आप त्रिभुज पढ़े हैं, आप चतुर्भुज पढ़े हैं, तो आप ये मान के चलिए बहुभुज भी उसी तरह से होता है, बट बहुभुज की कुछ स्पेशल फैक्ट्स को, फिगर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें बहुभुज को एक नया चैप्टर नाम देना पड़ता है, और हम उसी नाम के साथ आज की इस क्लास में आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप लोग चीजों को देखिएगा और समझ करके आप अपने इस कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करिएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुभुज। सबसे पहले मैं बहुभुज के बारे में एक जानकारी आपको दे दूं कि एक रेक्टिलिनियर फिगर होता है, एक रेक्टिलिनियर फिगर होता है जिसको हम लोग रेखीय आकृति कहते हैं। आप इसको रेखीय आकृति कहते हैं। आप किसी भी फिगर को रेक्टिलिनियर कह सकते हैं जो फिगर आपका समतल पर बनाया जाता है। जैसे आप त्रिभुज बना रहे हैं, आप वृत्त बना रहे थे, आप जो है मतलब फिगर कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर नहीं कह सकते सभी को, जैसे कि आप वृत्त को नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप त्रिभुज को कह सकते हैं, तमाम सारे चतुर्भुज को आप कह सकते हैं, मतलब उन सभी आकृतियों को जिन आकृतियों को समतल पर सीधी रेखाओं की मदद से बनाया जाता है वो रेक्टिलिनियर फिगर कहलाती है। जैसे आपका जो भी पॉलीगन बनेगा, जो बहुभुज बनेगा, वो आपका एक रेक्टिलिनियर फिगर कहलाएगा, मतलब रेखीय आकृति होगा जिसमें सरल रेखाएं लगी होंगी। बनाने के लिए सरल और सीधी रेखाएं यहाँ पे प्रयोग की जाती है। इस आकृति को बनाने के लिए सरल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सरल रेखाएं आप सब समझ सकते होंगे कि जिसको y = mx + c, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे उसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। तो सरल रेखाओं का प्रयोग करके ऐसी आकृतियों को बनाया जाता है जो कि आपकी पॉलीगन कहलाती हैं। पॉलीगन को सबसे पहली चीज मैं एक क्लोज्ड फिगर कहता हूं, मतलब इसको आप एक बंद आकृति कहते हैं। आप समझिएगा, इसको हम लोग एक बंद आकृति कहते हैं। जब मैंने आकृति आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया दो तरह की आकृतियां हो सकती हैं, एक ओपन होती है, क्लोज्ड होती है। ओपन का मतलब ऐसा है जिसके जिसका क्षेत्रफल आप ज्ञात नहीं कर सकते। जब आप रेखाओं को जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं होता कि उसमें एक फिगर, एक सेगमेंट बाउंडेड हो और जिसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सके, लेकिन जब कभी भी फिगर क्लोज्ड बनेगा तो उसको बनने के लिए उसमें एक ऐसा रीजन आप डिसाइड कर सकते हैं जिस रीजन का आप पर्टिकुलर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सीधी रेखाओं से बनने के लिए, सीधी रेखाओं से बनाई जा सकने वाली क्लोज्ड आकृतियों के अगर हम क्लोज फिगर की बात करेंगे तो सबसे पहले फिगर का निर्माण कम से कम तीन भुजाओं से होता है। सबसे पहले इस फिगर का निर्माण कम से कम तीन भुजाओं से होता है, अर्थात इनकी जो शुरुआत होती है वो त्रिभुज से होती है। आप बंद आकृतियों की बात करेंगे तो त्रिभुज से इसकी शुरुआत होती है। आप दो रेखाओं से कभी भी किसी बंद आकृति को नहीं बना सकते हैं, तो बंद आकृति को बनाने के लिए कम से कम किसी एक तीन फिगर, तीन रेखाओं का, तीन सेगमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो फिगर बनेगा वो मिनिमम फिगर, सबसे छोटा फिगर आपका त्रिभुज बनकर आएगा। हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग फिगर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फिगर बनकर आते हैं। उन फिगर की अगर हम लोग एक एक करके यहाँ पे सारी चीजों को देखते हैं और समझते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसको समझिएगा। अब आपको जैसे मैंने कुछ जानकारी दे दी है, मैंने रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में आपको बता दिया है, मैंने ये बता दिया कि पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है, एक बंद आकृति होती है। बंद आकृति को बनाने के लिए कम से कम तीन भुजाओं की जरूरत पड़ती है, इतना सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें कहेंगे कि त्रिभुज से शुरुआत हुई तो मतलब अगर भुजाएं मेरे पास कम से कम तीन है तो आकृति बनी त्रिभुज,
तो आपका जो नेम बना, मतलब इसका जो नाम बना उस आकृति का, वो आपका त्रिभुज बना। अगर इसी क्रम में अगर हम लोग चार अभुजाएं लेते हैं तो आकृति जो हमारे सामने बनकर आएगी वो चतुर्भुज बनकर आएगी। चतुर्भुज को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, मैं इसके बारे में आपको पढ़ा भी चुका हूँ। पांच भुजाएं अगर लेंगे तो पंचभुज बनेगा। पंचभुज मतलब आप इसको पेंटागन कह सकते हैं, आप इसको पेंटागन कह सकते हैं, इसको आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, मैंने आपको पहले से बता रखा है, इसको आप ट्रायंगल कह सकते हैं, इसको भी पहले से बता रखा है। अब आप छह भुजाएं अगर लेंगे तो हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन का मतलब होता है खटभुज, खटभुज होता है। इसी प्रकार से अगर सात भुजाएं लेंगे तो हेप्टागन बनेगा। हेप्टागन का मतलब होता है आपका सप्तभुज। ऑक्टागन बन सकता है आठ भुजाओं से, ऑक्टागन बन सकता है आठ भुजाओं से, अष्टभुज इसको हम कह सकते हैं। ऐसे नौ भुजाओं से बनी आकृति को हम नोनागन कह सकते हैं, नोनागन कह सकते हैं। ऐसे दस भुजाओं से बनी आकृति को डेकागन कह सकते हैं। आप इस तरह से नाम दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आकृतियों की, जो कि नंबर आप साइड से मिलकर बनी होती है, जिनकी शुरुआत कम से कम तीन भुजाओं से होती है। आप त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज, हेप्टागन, सप्तभुज, अष्टभुज, नोनागन, डेकागन, इस तरह से अगर आप लोग यहाँ पे फिगर में साइड्स बढ़ाते चले जाते हैं तो आकृतियां यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएट करती चली जाती हैं। मतलब आपको यन साइडेड फिगर प्राप्त होता है, मतलब यन भुजाओं की आकृति आपको प्राप्त होती है। यन भुजाओं में आपके पास 20 भुजाओं की भी आकृति हो सकती है, 25 भुजाओं की आकृति भी हो सकती है, और उन हर प्रकार की आकृतियों को हम लोग एनालिसिस यहाँ पे पंचभुज के चैप्टर में करते हैं। यहाँ पे अलग अलग परिस्थितियों को हम लोग रीड आउट करते हैं, उसको पढ़ने के लिए आप यहाँ पे आगे की परिस्थितियों को समझते जाइएगा। जैसे मैंने नेम ऑफ फिगर दिया तो आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोग क्लोज्ड आकृति या क्लोज फिगर बनाएंगे तो उसके नाम कुछ इस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम नहीं रखे जाते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रकार की जो बनी आकृतियां होंगी उन आकृतियों को हम लोग जो है यन साइडेड फिगर कहते हैं। यन साइडेड फिगर मतलब यन भुजाओं की आकृति हम लोग कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना 11 भुजाओं की आकृति बन सकती है, 15 भुजाओं की आकृति बन सकती है, 25-20 भुजाओं की आकृति बन सकती है। आप जैसे जिस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी जरूरतें होती हैं, उस हिसाब से आकृतियों का निर्माण होता है। अब अगर हम आकृतियों की बात करें, इन पॉलीगन्स की बात करें, तो आप लोग देखिएगा एक एक करके चीजों को। तो पॉलीगन में हमने यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज को अगर हम क्लासिफाई करें तो उसको समझने का प्रयास करिएगा। जब आकृतियां बनेगी तो हमें देखिए किस प्रकार की आकृतियां मिलेगी। जैसे आपने नाम तो देखा, लेकिन टाइप्स उनका समझना जरूरी है कि उनके नेचर क्या होंगे। दूसरी चीज, उसमें किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होगी, क्या हमें करना होगा, इन सब चीजों की भी जानकारी यहाँ पे रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, पॉलीगन मतलब बहुभुज दो प्रकार के बनकर आए हमारे सामने। एक हमारा कॉन्वेक्स कहलाता है, कॉन्वेक्स कहलाता है, दूसरा कॉनकेव कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं कॉन्वेक्स क्या है, कॉनकेव क्या है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी, कॉन्वेक्स को हिंदी में उत्तल आकृति कहते हैं, उत्तल आकृति कहेंगे या उत्तल बहुभुज कहेंगे। दूसरा इसको हम अवतल कहेंगे, अवतल आकृति या अवतल बहुभुज कहेंगे हम लोग यहाँ पे। अब आपको बता दें उत्तल और अवतल में क्या फर्क होता है। जब कोई भी फिगर बनेगा तो आपको पता है कि फिगर बनने के लिए कोण की आवश्यकता होती है, मतलब रेखाओं की जरूरत होती है। रेखाएं बिंदुओं से बनती हैं और बिंदु से बिंदु को मिला तो रेखा बना, रेखा को रेखा से ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ एन एंगल तो कॉल द फिगर, मतलब एंगल कहलाया, पूरी की पूरी आपके सामने आकृति बनकर आई। तो रेखाओं को रेखाओं से जोड़ा तो कोण की जरूरत पड़ती है। हम किसी ऐसे फिगर को उत्तल कह सकते हैं, मतलब कॉन्वेक्स कह सकते हैं, जिसमें जो कोण होता है, मतलब प्रत्येक कोण, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, 180 डिग्री से कम होते हैं। याद रखना है हमें यहाँ पे, जो भी फिगर हमारे पास कॉन्वेक्स होगा उसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। जैसे आप किसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जैसे आप किसी चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, जैसे आप किसी भी प्रकार के कोई भी साइडेड फिगर आप बना दीजिए, आप किसी भी फिगर में अगर कोण देखेंगे 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे ही फिगर को हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं या उत्तल आकृति कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि एक उत्तल आकृति में प्रत्येक कोणों का मान कितना होता है, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक कोणों का मान तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। दूसरी बात, अगर हम कहा जाए कि अगर कोई आकृति जिसमें एक भी कोण अगर मेरा 180 डिग्री से अधिक हो गया, तो ऐसी किसी आकृति को हम लोग यहाँ पे अवतल आकृति कहते हैं। आप समझिएगा, ये जैसे देखिए कोण है आपका, हमने देखा कि एक कोण हमारा 180 डिग्री से अधिक हो गया, जैसे ये तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ऐसे को देखिएगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि एक कोण अगर हमारा 180 डिग्री से अधिक हो गया
180 डिग्री से अधिक हो गया कोई भी एक कोण, तो ऐसी आकृति को आप अवतल आकृति या तो कॉनकेव यहाँ पे फिगर कहते हैं। जैसे आप लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में जनरली जानते होंगे, उत्तल और अवतल के बारे में, तो मैं आपको इतना बता देना जरूरी समझूंगा कि कोई भी रेखीय आकृति मतलब बहुभुज, क्लोज फिगर, बाउंडेड फिगर आपका उत्तल कहलाता है तब जब उसके प्रत्येक कोणों का मान 180 डिग्री से कम होता है, लेकिन अवतल कहलाता है तब, कॉनकेव कहलाता है जब उसका कोई भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाता है। इस प्रकार के फिगर को हम लोग अवतल आकृति कहते हैं। इन्हीं के नेचर के हिसाब से इनके दो और कैटेगरी भी डिफाइन हमें करने पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं पॉलीगन्स के कुछ परिस्थितियों के बारे में आपको बता देता हूं, आप लोग समझिएगा। देखिए, हर एक पहलू को आपको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहीं गहराई से चीजों को एनालिसिस कर पाते हैं और हम सही सही उत्तर यहाँ पे दे पाते हैं। जब आप हर पॉइंट्स को ऊपर फिगर पे डिस्कस करते हैं तभी जाकर, केवल एक क्वेश्चन पढ़ लेने से चीजें नहीं होती। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इस बहुभुज का कोई भी एक कलेक्शन क्वेश्चन का उठाते और आपके सामने क्लास में करवा देते। मैं आपको बता दूं, आप किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, इतनी गारंटी है। मैं कल कराऊंगा ऐसे प्रश्नों का क्वेश्चन, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन डेप्थ पे जाकर के पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हर एक फिगर को हमें यहाँ पे ट्रेस करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊं, इसको हम दो और नेचर से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है रेगुलर, अब ध्यान दीजिएगा रेगुलर क्या है, जिसको हम हिंदी में नियमित कहते हैं, नियमित कहेंगे, और एक होता है इरेगुलर, इरेगुलर को अनियमित कहेंगे आप, अनियमित कहेंगे, अनियमित कहेंगे। एक रेगुलर हुआ, दूसरा इरेगुलर हुआ, मतलब एक नियमित आकृति बनेगी और एक अनियमित आकृति बनेगी। रेगुलर और इरेगुलर का फर्क देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या होता है। जैसे आप कभी भी देखिए चतुर्भुज पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, तो त्रिभुज हमने पढ़ाया आपको, तो हमने कहा तीन प्रकार के त्रिभुज हुए अगर भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया। एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु, एक होता है विषमबाहु, एक होता है समबाहु। जब त्रिभुज की सभी भुजाओं के बीच कोई सिमिलरिटी नहीं है तो वह त्रिभुज आपका इरेगुलर आकृति कहलाएगा। अगर वह समबाहु है मतलब प्रत्येक भुजाएं समान है तो वह फिगर आपका रेगुलर फिगर कहलाएगा, मतलब नियमित आकृति कहलाएगी। चतुर्भुज की बात करिए तो आप वर्ग पढ़ते हैं तो वह एक रेगुलर फिगर बनेगा, वह आपकी एक नियमित आकृति बनेगी। एक ऐसा पंचभुज जिसकी सभी पांचों भुजाएं समान हो जाएं, वह एक पंचभुज आपका रेगुलर फिगर कहलाएगा। जनरली हम लोग ज्यादातर जो प्रयोग में लाते हैं हम लोग यहाँ पे यूज करें, क्योंकि हैबिचुअल होते हैं त्रिभुज के बारे में और चतुर्भुज के बारे में, इसलिए हम लोग ज्यादातर एग्जाम्पल वहीं से देते हैं कि जो वर्ग होता है वो रेगुलर फिगर होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है वो भी आपका एक रेगुलर फिगर होता है। जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तो रेगुलर में दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, याद रखना हमें, समान होती हैं। दूसरी चीज, सभी कोण भी समान होते हैं, सभी कोण समान होते हैं। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि कोण भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल होगा आंतरिक जिसको कहेंगे हम लोग, और दूसरा एक्सटर्नल जिसको हम लोग बाह्य कहेंगे। अब आप जब कोई भी फिगर बनाते हैं, जैसे त्रिभुज ऊपर बना है आप देख सकते हैं, जब मैंने लिखा सभी कोण समान होते हैं तो चाहे आंतरिक कोण हो चाहे बाह्य कोण हो, दोनों कोणों को समान होना कंपलसरी होता है। जैसे त्रिभुज है तो ये आंतरिक कोण है, जबकि ए इसका बाह्य कोण है, बहिष्कोण जिसको हम लोग कहते हैं, या एक्सटीरियर एंगल आप कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई त्रिभुज या कोई भी चतुर्भुज या कोई भी पंचभुज या कोई भी हम कहते पॉलीगन, कोई भी बहुभुज रेगुलर तब कहलाएगा जब उसकी सभी आकृतियों, सभी भुजाएं समान हो, उसके सभी कोण समान हो। कोण में आप चाहे उसके इंटरनल कोण की बात करें चाहे उसके एक्सटर्नल की बात करें, मतलब उसके बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के कोण अगर समान होंगे तभी वह आपकी क्या कहलाएगी, एक रेगुलर फिगर कहलाएगी। जबकि इरेगुलर की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऐसी कोई संभावना की बात नहीं होती है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे सभी कोण समान हो, मतलब फिलहाल ऐसा नहीं होता है। अब आप ऐसे कह दीजिए सभी कोण सभी हो जाए, यह सब असमान होती है, सभी कोण तथा भुजाएं असमान होते हैं, ये आपका इरेगुलर फिगर है, असमान होते हैं। अब आप चाहे रेगुलर पढ़िएगा चाहे इरेगुलर पढ़िएगा, कुछ चीजों की हमें यहाँ पे जानकारी देना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप एक एक पॉइंट्स को देखिएगा, तो मैंने रेगुलर के बारे में आपको बताया, इरेगुलर के बारे में बताया। आप जैसे त्रिभुज को देख रहे हैं तो रेगुलर में आप समबाहु को कह सकते हैं, वर्ग में आप जो है जो आपके पास वर्ग बना वो भी एक समबाहु चतुर्भुज है, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अगर हम रेगुलर और इरेगुलर दोनों फिगर्स में आए तो जो हमारे यहाँ क्वेश्चंस बनते, देखिए कैसे बनते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, समझिएगा आप लोग। देखिए, अब चाहे कोई रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों फिगर्स के लिए मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं। पहला कि सभी आंतरिक कोणों का योग
एक सभी आंतरिक कोणों का योग 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होता है। सभी आंतरिक कोणों का योग 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होता है। जैसे आप कोई त्रिभुज उठाइए, जहां पे n क्या होता है, n भुजाओं की संख्या होती है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे आपसे पूछा जाएगा भुजाओं की संख्या, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, बात समझिएगा मेरी, चाहे वो फिगर आपका रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, सभी आंतरिक कोणों का योग 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री होता है। इसको आप लोग को समझ कर चलना पड़ेगा। अगर हमने किसी भी प्रकार का त्रिभुज ले लिया है, चाहे आप समबाहु ले रहे हैं, चाहे समद्विबाहु ले रहे हैं, चाहे विषमबाहु ले रहे हैं, अगर हम उनके आंतरिक कोणों की बात करें, फिलहाल इन सबके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होती है। एक त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसको लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे अपने आप को वेरीफाई भी कर पाएंगे। हम लिखे 2 × 3 − 4 × 90। अब आप देखिए 2 × 3 = 6, 6 में से 4 निकला 2 × 90 कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो आपको पता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 2 × 4 − 4 × 90, अब आपको क्लियर हो गया होगा, 4 × 8 में से 4 निकलेगा तो 4 × 90 बराबर आपके पास 360 हो जाएगा। तो 360 डिग्री उसके सभी आंतरिक कोणों का मान आया। अगर कोई फिगर है, जैसे हमारे पास खटभुज है, खटभुज में 6 भुजाएं होती है, आपको क्लियर होगा 6 भुजाएं हैं, तो इसके आंतरिक कोणों की बात की जाए। अब आप देखिए खटभुज कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बना। अब इसके सभी आंतरिक कोणों की बात किया जाए तो हमारे पास 2 × 6 − 4 × 90 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ 12 में से 4 निकला 8, 8 × 90 करेंगे तो 720 डिग्री इसके सभी आंतरिक कोणों का मान हो जाएगा। अगर हमसे कोई कहता है कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसके पास 20 भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे 20 भुजाएं हैं तो 20 × 2n − 4 लिखते, 20 × 2 − 4 × आप कितना कर देंगे 90, तो 20 में से 2 = 40 हो जाएगा, 20 × 2 = 40, 40 में से 4 निकला 36, 36 को 90 से गुणा कर देंगे तो 9 × 54 होता है, कैरी 5, 9 × 3 = 27, 5 = 32, 3240 डिग्री यहाँ पे इसके सभी आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा। तो कहने करते होता है कि कोई भी अगर हमारे पास बहुभुज है, चाहे वो आपका रेगुलर हो चाहे आपका इरेगुलर है, उनके सभी आंतरिक कोणों का मान 2n − 4 × 90 डिग्री हुआ करता है। तो इसको आप लोग को नोट करके समझ करके रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें तीसरी परिस्थिति की, दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक परिस्थिति मैंने आपको बता दी कि चाहे जिस प्रकार का भी बहुभुज होगा, चाहे वो आपका रेगुलर होगा चाहे इरेगुलर होगा, उसके सभी आंतरिक कोणों का मान 2n − 4 × 90 डिग्री के बराबर होता है। दूसरी पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है, इनसे ज्यादा कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। चाहे जिस प्रकार का भी फिगर बन जाए, चाहे वो आपका त्रिभुज बने चाहे चतुर्भुज बने चाहे पंचभुज बने, अगर उनके सभी हम लोग आंतरिक कोणों के हिसाब से उनको बाह्य कोणों को भी नोटिस करें, तो बाह्य कोण कुछ ऐसे, जैसे आप त्रिभुज नोटिस कर रहे हैं तो बाह्य कोण देखिए ए बना, आप बाह्य कोणों को नोटिस किए हैं। अगर प्रत्येक बाह्य कोणों की बात की जाए तो हमेशा प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे जिस प्रकार का भी आपके सामने एक बहुभुज बनकर आए, तो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। तीसरी स्थिति में बता दूं, प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180, आंतरिक तथा प्रत्येक बाह्य कोण बराबर आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ पे किसी भी एक त्रिभुज की बात करें, चतुर्भुज की बात करें, चाहे जिस प्रकार के फिगर की बात करें, तो प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे अगर आप एक किसी त्रिभुज की बात करिए, आप यहाँ पे किसी एक त्रिभुज की बात करिए, अगर सपोज करिए अंदर 60 डिग्री है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 120 डिग्री होगा, दोनों जुड़ करके किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। एक चीज और हमसे पूछा जाता है, अगर त्रिभुज को छोड़ दिया जाए, त्रिभुज के ऊपर के फिगर की बात किया जाए, त्रिभुज के ऊपर जैसे आप चतुर्भुज लीजिए, आप पंचभुज लीजिए, खटभुज लीजिए, मतलब ऐसा लीजिए जिसमें एक बिंदु के अपोजिट कोई बिंदु हो, त्रिभुज में एक बिंदु के अपोजिट कोई बिंदु नहीं होता है, याद रखिएगा, जुड़े हुए बिंदु होते हैं, इससे जुड़ा बिंदु होता है, इससे जुड़ा बिंदु होता है, इससे जुड़ा बिंदु होता है। लेकिन त्रिभुज के ऊपर जब हम फिगर पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पे हर एक बिंदु से अपोजिट एक बिंदु होता है जो उससे जुड़ा नहीं होता है डायरेक्टली। जब जुड़ा नहीं होता है तो हम उनको जब मिलाते हैं तो विकर्ण प्राप्त होता है, आपको पता होगा विकर्ण प्राप्त होता है। तो विकर्णों की संख्या भी पूछी जाती है आपसे, प्रत्येक प्रकार के बहुभुज में विकर्णों की संख्या तो विकर्णों की संख्या प्रत्येक प्रकार के बहुभुज में आपकी
n इंटू एन माइनस थ्री, एक सेकेंड, विकर्णों की संख्या हो जाती है n इंटू n माइनस थ्री अपान टू हो जाती है, n इंटू एन माइनस थ्री अपान टू हो जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये चतुर्भुज है सपोज करिए हमारे सामने, तो चतुर्भुज में अगर हम देख रहे हैं कि ओरल विकर्ण हमारे पास हमको कितना नजर आ रहे हैं, यहां पे दो नजर आ रहे हैं। अगर हम इस रूल को लगाएं 4 × 4 − 3/2 करिए, तो देखिए आपको 2 × 2 = 4, 4 में से 3 निकला 1, तो 2 × 1 मतलब 2 विकर्ण यहां पे हमको प्राप्त हो जाएंगे। अगर यही चीज हमारे पास पंचभुज होता, मैं यहां से हटा दे रहा हूं चीजों को, समझिएगा, एक पंचभुज का निर्माण अगर हम लोग करें, समझिएगा सब लोग, यहां पे इसके विकर्णों की बात करें तो विपरीत बिंदुओं को मिलाए, देखिए एक विकर्ण ए प्राप्त हुआ, एक विकर्ण ए प्राप्त हुआ, एक विकर्ण ए प्राप्त हुआ। मतलब जब विकर्ण बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं, विकर्ण हमेशा विपरीत बिंदुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे जो संगत बिंदु नहीं होते, मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, ना किससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इस प्रकार से अगर हमने देखा तो 3 विकर्ण बनकर आए। तो हम यहां फार्मूले पे अगर चीजों को रखें, 5 × 5 − 3/2 कर देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 5 × 2 = 2 कर दें। अच्छा एक सेकंड, इसको भी इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको भी इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, अर्थात यहां पे हमारे पास 5 × 2 = 2 मतलब 3, 2, 5 कुल विकर्ण हमारे सामने बनकर आ रहे हैं। मतलब आप जैसे पंचभुज उठाते हैं तो 5 × मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे बहुभुज बनेंगे, तो उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या हमेशा n × n − 3/2 करके हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने पंचभुज में देखा तो 5 विकर्ण बने, आप देख रहे थे यहाँ पे इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, काउंट करके भी 5 प्राप्त कर रहे थे। लेकिन हमेशा हम नहीं कर सकते हैं, जब ज्यादा भुजाएं हो जाएंगी, 15 भुजाएं हो जाएंगी, 20 भुजाएं हो जाएंगी, उस समय हम विकर्णों की संख्या को ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का ही प्रयोग कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया चाहे जिस प्रकार का बहुभुज हो, चाहे आपका रेगुलर हो, चाहे इरेगुलर हो, चाहे नियमित हो, चाहे अनियमित हो, इनके सभी आंतरिक कोणों का मान योग 2n − 4 × 90 होता है, सभी बाह्य कोणों का योग यहां पे 360 डिग्री होता है, प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य कोण 180 डिग्री होता है, और साथ साथ विकर्णों की संख्या यानी n × n − 3/2 होती है। तो इस प्रकार से इन 4 इंफॉर्मेशन के बाद 2 इंफॉर्मेशन और हम 3 देंगे आपको, उससे आप, लेकिन वो इंफॉर्मेशन केवल और केवल रेगुलर फिगर के लिए है, हम केवल नियमित आकृतियों की बात यहां पर करने जा रहे हैं। हम केवल यहां पर रेगुलर फिगर के लिए कुछ और पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा रेगुलर फिगर, रेगुलर फिगर मतलब आपको पता है नियमित आकृति, नियमित आकृति। अब इस नियमित आकृति को आप नोटिस करिए और इसके फिगर के, इसके हम लोग कुछ और पॉइंट्स को यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। नियमित आकृति है तो मैंने एक चीज आपको बताया, 2-3 चीजें आपको हमने बताई। हमने तो एक सबसे पहले बताया कि सभी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं, दूसरी चीज बताया मैंने सभी कोण समान होते हैं, तीसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सभी लंबाई या सभी कोण समान, तो उसके जितने भी बहिष्कोण होते हैं वो भी सबके सब समान होते हैं। अगर ऐसा है तो हम प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिएगा प्रत्येक आंतरिक कोण, अगर हमें प्रत्येक बाह्य प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग पता हो, योग हम कैसे पता करते हैं, 2n − 4 × 90/ यहां पे आप n कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुभुज है और वह एक रेगुलर बहुभुज है, उसके पास 7 भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं, 7, तो हम लिखेंगे 2 × 7 − 4 × 90/ हम लोग यहां पे 7 कर देंगे। मतलब आप ऐसे समझिएगा, जिस भी किसी भी बहुभुज की हमें प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान ज्ञात करना होगा, उसको ज्ञात करने के लिए आपको 2n − 4 × 90/ अप्लाई करना होगा, इससे हम उसके प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें यहां पे जब कभी कभी प्रत्येक बाह्य कोण भी निकालना हो, प्रत्येक बाह्य कोण भी इसके समान होते हैं, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360/n करना पड़ेगा, 360/n करना पड़ेगा। इससे आपको प्रत्येक बाह्य कोण यहां पे आप ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, n जहां पे भुजाओं की संख्या है। अगर आपको प्रत्येक भुजाओं की संख्या पता है तो आप प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात कर सकते हैं। इनकेस कभी कभी प्रत्येक बाह्य कोण पता होते हैं और भुजाओं की संख्या हमें प्रत्येक बाह्य कोण से निकालनी हो, तो प्रत्येक भुजा, मतलब या ऐसे कह सकते हैं भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर आप 360/x डिग्री लिख सकते हैं। मतलब n का मान आपका 360/x डिग्री हो जाएगा अगर हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण यहां पे दिए गए हैं। जैसे आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए हमसे कहा गया कि एक खटभुज है, खटभुज में 6 भुजाएं होती है, आप सबको क्लियर है 6 भुजाएं होती हैं। अब आपको इसका पूछा जाए प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा। अब ज्ञात करने के तरीके समझिएगा आप लोग,
प्रत्येक आंतरिक कोण। एक तरीका तो यह है, ऊपर देखिए फार्मूला लिखा है आपके सामने, क्या लिखेंगे, 2 × 6 − 4 × 90/6। रूल जैसे जैसे है उसी को फॉलो किया, तो 2 × 6 = 12 से 4 निकला, आपको पता है 8 होगा, 8 × 90/6 आप यहाँ पे 6 कर दीजिए, 12 से 4 निकला 8 होता है, 8 × 90/6 कर देंगे तो आप यहाँ पे 720/6 हो गया मेरे सामने, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 6 = 12, 120 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान हो जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान 120 डिग्री हो जाएगा। दूसरी चीज, हम इसको ऐसे भी तो कह सकते थे कि अगर हमें पता है कि चाहे जिस प्रकार का भी बहुभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के होता है कि नहीं बराबर, अगर 360 डिग्री है और भुजाएं हैं 6 तो प्रत्येक बाह्य कोण आपके पास हो जाएंगे 360/6 बराबर आपके पास 60 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण हो गया। प्रत्येक बाह्य कोण अगर 60 डिग्री हो गया तो आपको एक चीज और पता है कि प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो 60 प्लस आंतरिक कोण, आंतरिक कोण अगर x माना है या हमने y माना है, 180 कर दीजिए तो y का मान आप डायरेक्टली यहां से 120 डिग्री बता सकते हैं, मतलब आप 360 से, क्योंकि फिगर रेगुलर है तो 360 से भुजाओं की संख्या, तो 360 को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देने से हमें प्रत्येक बाह्य कोण पता चल जाएंगे, प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण के नियम को अप्लाई करके आप लोग यहां पे प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पे जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपको मैंने सारे बता दिए हैं, कुछ एकाक प्रश्न छोटे छोटे जैसे उठा लेते हैं, इसमें बहुत आसान सा सिस्टम है, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं मैं इसकी प्रश्नों की एक श्रृंखला, जितने भी आधारित प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लेकर के यहाँ पे आपको एक क्लास कराएंगे जिसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। जैसे हमारे सामने कहा गया एक पंचभुज है, आपको पता है पंचभुज मतलब पेंटागन, एक पेंटागन है, इस पेंटागन की जो भुजाएं हैं या आंतरिक कोण है, जो आंतरिक कोण है वो आपके कुछ अनुपात में है, जैसे हमने कहा 4:8, 8:6, 4:5 के अनुपात में है, 4:8, 6:4, 5 के अनुपात में है। हमसे पूछा गया कि प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होंगे, प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान पूछा गया, या हमसे सबसे बड़ा आंतरिक कोण पूछा गया, कुछ इस प्रकार से पूछा गया। अब आपको सबसे पहले पेंटागन के सभी आंतरिक कोणों का योग पता होना चाहिए, योग क्या होगा बताइए, 2 × 5 − 4 × 90, तो आपका 10 में से 4 निकला, 6, 6, 9, 54, 540 डिग्री इनके सभी आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा। ये चीज हमको पता रहेगी तो हम आराम से कर लेंगे, इनके सभी आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री हो गया, इनकी भुजाओं में जो कोणों में जो अनुपात है 4, 8, 6, 4 और 5 का है, जब मैंने जोड़ा 4, 8, 12 होता है, 12, 6, 18 होता है, 18, 4, 22, 5, 27 होता है, तो 27 का मान आप देखिए 540 डिग्री के बराबर है, अर्थात 1 का मान 20 हो जाएगा। जब 1 का मान यहाँ पे 20 होगा तो आप प्रत्येक कोण को आराम से ज्ञात कर सकते हैं, 80 डिग्री हो जाएगा, 20 × 8 = 160 हो जाएगा, 20 × 6 = 120 हो जाएगा, 20 × 4 = 80 हो जाएगा, और 20 × 5 = 100 हो जाएगा। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो प्रत्येक कोणों का योग, सभी कोणों का योग 540 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं जो कि आप तब ज्ञात कर सकते हैं जब आपको बेसिक अप्रोच पूरी तरह से क्लियर होता है। तो इस बेसिक अप्रोच के बिहाफ पे हम इसको कर सकते हैं, एक और हम क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं इसी तरह का, इससे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट में इंप्रूवमेंट आएगी। आप देखिए कहा गया खडभुज है, अब खडभुज आप सबको पता होगा कि क्या होता है खडभुज, भैया सब लोग जान लीजिए हेक्सागन होता है, हेक्सागन में 6 भुजाएं होती हैं, 6 भुजाओं वाला एक फिगर है, एक पॉलीगन है, 6 भुजाओं वाले एक पॉलीगन में एक कोण आपका दिया गया है 140 डिग्री, एक कोण है 140 डिग्री, बाकी सभी कोण समान है, सभी कोण समान है। तो हमसे पूछा इन सभी समान कोणों का मान क्या है, समान कोणों का मान क्या है, कोण बराबर क्या है, मतलब प्रत्येक जो समान कोण है उन सबका मान क्या है। हम बार बार खडभुज की बात करते हैं, तो खडभुज में भुजाएं हैं 6, तो आंतरिक सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, अब आप बताइए क्या होगा, सब लोग देखिए 2n − 4, 2 × 6 = 12 − 4 × 90 करेंगे तो 720 डिग्री आएगा, कितना आएगा 720 डिग्री, एक कोण 140 है बाकी सभी समान है, तो सभी समान को अगर हमने x मान लिया तो हमारे पास बचेंगे कितने बताइए, अगर हम एक कोण तो 140 बना दिए तो 5 बचे हैं, तो 5 × x कर दिया मैंने 5x, तो हम लिख सकते हैं 5x + 140 बराबर आप यहां पे 720 लिख सकते हैं, तो 5x का मान आप 720 को इसमें से घटा दीजिए तो आपका शून्य हो गया, 12 से 4 = 8 हो गया, 6 से 1 = 580 हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 720 से 140 को घटा दिया तो 580 हो गया। अब x का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो 1 हुआ,
5 × 5 = 36 116 डिग्री। 116 डिग्री प्रत्येक बचे कोण सभी के सभी आपके बराबर होंगे, 116 डिग्री के सब बराबर हो रहे हैं। इस तरह से हमने इन छोटे छोटे प्रश्नों की मदद से और पूरे कॉन्सेप्ट को आपके सामने आज बहुभुज का एक्सप्लेन किया। पूरी उम्मीद है और आशा है कि सारे टॉपिक, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और हम जब अगली क्लास लेकर आएंगे तो इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न, जो कि लगातार अलग अलग एग्जाम से प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहे हैं, उन सभी का एक कलेक्शन उठा करके आपके सामने उपस्थित होंगे और हर प्रश्न को आपको सॉल्व करा करके श्रृंखला को फिनिश करेंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।